हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिवीजन ऑफ 28 बिट नंबर। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 28 बिट नंबर्स। तो देखते हैं हम डिवाइड कैसे करते हैं 28 बिट नंबर्स का माइक्रोप्रोसेसर 8085 में। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि C200 में डेटा है 08, C201 में डेटा है 03। 08 को हम 0 से 3 से डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन मिलेगा उसे हम स्टोर करेंगे C300H में, और जो रिमाइंडर मिलेगा उसे स्टोर करेंगे हम C301H में। सबसे पहले हम जो C201 में जो डेटा है उसको लोड कर लेते हैं एक्यूमुलेटर में। तो अभी हमारे एक्यूमुलेटर में डेटा है 03H, उसे मूव कर लेते हैं C में। तो C में डेटा है 03H। अब हमने एक्यूमुलेटर में डेटा लिया 08H, उसे मूव कर लेते हैं, उसे हम मूव नहीं करते हैं। और हम रजिस्टर बी को क्लियर कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखना फ्रेंड्स, सीएमपीसी, जब हम सीएमपीसी करेंगे तो वो चेक करेगा कि ए में जो डेटा है और सी में जो डेटा है वो उन दोनों को चेक करेगा कि कैरी जनरेट होता है कि नहीं, यानी कि हमारा जो ये सी में जो नंबर है वो बिगर है कि नहीं है या फिर इससे वो छोटा है। तो अगर हमारे ये सी में जो नंबर है वो अगर ए से बड़ा होता तो डायरेक्ट एसटीए C301 कर देगा, क्योंकि अगर इसमें सपोज 09 होता तो हम 08 को 09 से डिवाइड नहीं करते, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर हो जाता है और उससे वो यहाँ पर स्टोर कर देता। JCL1 वही मैंने भी बताया। और अगर वो नहीं, हमारा रजिस्टर सी में जो डेटा है वो ए से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे 03 है, तो उसमें उससे वो तो इसमें से वो सी का जो डेटा है वो माइनस कर देगा। तो सपोज यहाँ पर ए में डेटा है 08H, इसमें से सी माइनस हो रहा है 03H, तो हमें क्या मिलेगा 05H। अब इंक्रीमेंट बी, हमारे बी अब इंक्रीमेंट हो जाए तो अब हो जाएगा 01 जंप L2। ये फिर से जंप करेगा, अनकंडीशनल जंप है, वो चेक करेगा नहीं कंडीशन है कि नहीं है, और वापस से जंप करेगा, कंपेरिसी करेगा। तो ये अभी हमारा ए में डेटा है 05H, तो अभी वो ए को और सी को फिर से कंपेयर करेगा। यहाँ पे 03 है, इधर 05 है, तो ऑब्वियसली हमारा सी 03 फिर से छोटा नंबर है, तो फिर से ये लूप एक बार कंटिन्यू होगा। तो सब सी, इसमें सिर्फ माइनस सी होगा 03H, हमारा आंसर आएगा 02H। फिर से इंक्रीमेंट भी होगा, मतलब 1 से फिर से इंक्रीमेंट भी होगा 02H। अब ये फिर से अनकंडीशनल जंप यहाँ पर जाएगा, फिर से वो कंपेयर सी करेगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे ए में डेटा है 02H, सी में है 03H। यहाँ पे 03 डेफिनेटली ग्रेटर नंबर है 0A से, तो डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे और STA C301 में स्टोर कर देगा। मतलब हमारे एक्यूमुलेटर में जो डेटा है 02H वो C301 में स्टोर हो जाएगा। तो C301H में डेटा है 02H, ये हमारा रिमाइंडर हमें मिल गया। और ये हमारा क्वेश्चन है, रजिस्टर बी में जो नंबर है वही हमारा क्वेश्चन है। तो अब मूव ए कॉमा बी, तो बी में जो डेटा है 02H वो अब ए में आ गया, ए में अब आ गया 02H, उसे हम स्टोर कर देंगे STA C300H में। तो C300H में हमारा डेटा आ जाएगा 02H। तो जब हम 08 को 03 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें मिलेगा 02 क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा 02, और फिर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है।